आठवीं कहानी, परमेश्वरै यूसुफ होर तेइरै टब्बर बचाए। कई बौर्षा बाद ज़ैबै याकूब खापरा हुआ ती, तेइयै आपणा प्यारा बेटा यूसुफ तेइरै भाई बै परखणै री तैंईंयैं भेज़ू, ज़ो पशु रै छ़ुण्डा री हेर शुण केरा ती। यूसुफा रै भाई तेई सैंघै जलन रखा ती, किबैकि तिन्हरा बापू तेई सैंघै बोहू झ़ुरी रखा ती, होर यूसुफै सुपना हेरू कि सौ तिन्हरा अधिकारी बणु। ज़ैबै यूसुफ आपणै भाई हागै आऊ ता तिन्हैं सौ ढौकू होर दासा रा व्यापार केरनु आल़ै बै बेच़ू। घौरा वापस ऐणै न बाद तिन्हैं तेइरै झिकड़ै बौकरी मकाईया तेसरा लोहू न डबेइया होर तिन्हैं ते झिकड़ै आपणै बापू न रिहाए होर बोलू, कौसी दुष्ट पशुऐ सौ खाऊ। तैबै याकूब बोहू उदास हुआ ती। दासा रा व्यापार केरनु आल़ै तिन्हैं व्यापारियै यूसुफ मिस्रा बै नेऊ। मिस्र नील नौई रै बौढ़ा रा एक बड़ा शक्तिशाली देश ती। तिन्हैं व्यापारियै यूसुफ एक धनी सरकारी अधिकारी बै दासा रै रूपा न बेचू। यूसुफै आपणै मिस्री मालकै री शोभली तरह सेवा केरी होर परमेश्वरै यूसुफा बै आशीष धिनी। तेइरै मालकै री लाड़ियै यूसुफा सैंघै सोणै री कोशिश केरी, पर यूसुफै परमेश्वरा रै खिलाफ़ पाप केरनै बै नाँह केरू होर बोलू, हांऊँ इतनी बड़ी दुष्टता केरिया परमेश्वरा रा गुनाहगार किबै बणनू। तैबै सौ बोहू झिकुई होर यूसुफा पैंधै झूठै दोष लाइया सौ कैदखानै न पाऊ। यूसुफ जेला न भी परमेश्वरा री तैंईंयैं सच्चा रौहू होर परमेश्वरै तेइबै आशीष धिनी। दुई बौर्षा बाद निर्दोष होणै रै बावजूद यूसुफ ऐबै कैदखानै न ऐती। एकी राती न मिस्र देशा रै राजै ज़ौसरा नाँ फिरौन ती तेइयै दुई सुपनै हेरै ज़ो तेइबै परेशान केरदै लागै ती। ज़ो सुपनै तेई राजै हेरै ती तिन्हरा मतलब दसनु आल़ा कोई नी ती आथि। परमेश्वरै यूसुफा बै ऐण्ढी समझ धिनी ती कि सौ सुपनै रा मतलब समझी सकला। तैबै फिरौन राजै सौ कैदखानै न शाधु। यूसुफै तिन्हैं सुपनै रा मतलब दसु होर बोलू, सारै मिस्र देशा न सौत वर्षा न बहुत ज़्यादा फसल होनी होर तेथा न बाद सौत वर्षा तक अकाल पड़ना। फिरौन राजा यूसुफा न बहुत प्रभावित हुआ होर तेइयै सौ मिस्रा रा दूजा सभी न शक्तिशाली मानु चुनु। यूसुफे लोका बै शोभली फसला आले सौत वर्षा न खाणै री चीज़ा बै कट्ठा केरना बै बोलू। अकाले रै ध्याड़ै न ज़ैबै लोका आगै खाणै बै किछ नी ती आथी होर सारी धरती न अकाल पड़ू ता यूसुफ मिस्री लोका बै नाज बेचदा लगा ताकि तीन आगै खाणै बै होला। सो अकाल सिर्फ मिस्र देशा न नहीं ती आथी पर कनान देशा न भी भयंकर ती, जौखै याकूब और तेइरा टब्बर ती। तैबै याकूबै आपणै बेटै नाज आणै री तैंईंयैं मिस्र देशा बै भेज़ै। ज़ैबै ते नाज लेणै री तैंईंयैं यूसुफा रै सामनै खड़ै हुऐ ता तेइरै भाइयै यूसुफ नहीं पछ्याणु। ऐ जाणै री तैंईंयैं कि ते बदले सी या नहीं ते परखै होर यूसुफै तिन्हां बै बोलू, हांऊँ तुसरा भाई यूसुफ सा, मता डौरदै। ज़ैबै तुसै हांऊँ दासा रै रूपा न बेचू ती ता तुसै बुरा केरनै री सोची ती, पर परमेश्वरै सौ बुराई भलाई रै रूपा न इस्तेमाल केरी। एजा होर मिस्रा न रौहा ताकि हांऊँ तुसा होर तुसा रै टब्बरा री तैंईंयैं नाजै रा इंतजाम केरी सकनू। ज़ैबै यूसुफा रै भाई घौरा वापस आए होर आपणै बापू बै दसू कि यूसुफ ऐबै भी जिंदा सा ता सौ बहुत खुश हुआ ती। हालांकि याकूब एक खापरा मानु ती तैबै भी सौ आपणै पूरै टब्बरा सैंघै मिस्र देशा बै नौठा होर ते तौखै रौंहदै लागै। याकूबै मौनै न पहले सभी बेटै बै आशीष धिनी। परमेश्वरै ज़ो वायदा अब्राहमा सैंघै केरू ती, अब्राहमा न बाद इसाका सैंघै, इसाका न बाद याकूब हो तेता न बाद तेइरै बारा बेटै होर तिन्हरै टब्बरा सैंघै, बारा बेटै री औलादी सैंघै इज़राइली रै बारा गोत्र बणै।